नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीत की तैयारी में। दोस्तों, आर्मी की रैली निकल आ चुकी है, पर आप यहाँ पे देख रहे हैं दानपुर लिखा है, पर ये सिर्फ दानपुर में नहीं, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर सकते हैं, तो भी आप इस भर्ती को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आप कैसे इस रैली को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रैली के बारे में। देखिए दोस्तों, ये 24 सितंबर टू 7 अक्टूबर तक होगी। ये 24 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक रैली चलेगी, और जो इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, वो भरे जाएंगे 10 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। 10 सितंबर से 23 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और 24 से 7 अक्टूबर तक ये आपकी रैली चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे आप सबसे ज़्यादा जीडी के लिए कौन कौन भर सकता है, एज होनी चाहिए आपकी 17.5 से 21 साल, और आपकी हाइट होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 50। और कौन कौन, देखिए एजुकेशन देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। आप मैट्रिक पास होने चाहिए विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 33 नी सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स चाहिए। ये नहीं कि आपके एक में तो 70 आ गए और एक में नहीं आए, तो हर में आपको 33 मार्क्स चाहिए। और कैंडिडेट पास विद ग्रेडिंग सिक्योर डी ग्रेड 40,000, या आपको 4.7 पॉइंट जो आपका जीडीपी आता है आजकल दोस्तों, वो होना चाहिए। अब टेक्निकल में देखते हैं, टेक्निकल में आपकी जो होगी वो 23 होगी, जीडी में जो मैक्सिमम होती है वो 21 होती है, पर टेक्निकल में 23 हो जाती है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, 10th+2 में एग्ज़ाम में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40%, मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में, और 40% दोस्तों यहाँ पे जीडी में थे आपके 33%, यहाँ पे होने चाहिए आपके 40% हर किसी में मार्क्स। अब ऐसे ही आप दोस्तों सारी चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ते हो कि इसमें कितना चाहिए, यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे क्लर्क का आ गया। जैसे आगे मैं आपको बात करता हूँ, जैसे स्पेशल इंट्रेक्शन इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए 162, और वेट होना चाहिए 48। एक एवरेज लगा सकते हो दोस्तों, हर एक का अलग होता है, पर एवरेज तो आप इतनी मान के ही चलो कि इतनी होनी चाहिए। अगर वैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, क्लर्क की देख रहे हो तो क्लर्क में तो हाइट आपकी अगर छोटी हाइट है तो आप भर सकते हो। देखते हैं, जैसे क्लर्क में 162 है और बाकियों में सब में 169 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप भर सकते हैं। और अगर आप सन ऑफ सर्विस मैन है या एक्स सर्विस है, तो उसको आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है दोस्तों, हाइट में, चेस्ट में और वेट में। देखिए, जैसे सन ऑफ एक्स सर्विस मैन 2% आप 2 मार्क्स आपको हाइट में मिलेंगे। जैसे क्या मतलब हुआ, दो जैसे आपको सोल्जर में 162 चाहिए तो आपको 160 चाहिए होगी, फिर ऐसे ही चेस्ट में और ऐसे ही वेट में दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसका जो रनिंग का जो टेस्ट होगा, फिजिकल जो टेस्ट होगा वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें होगी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा आपको। ठीक है, ये वही होता है, पर 4 मिनट 45 सेकंड होता है, वैसे लिखा तो होता है 5.5 मिनट का दोस्तों, जैसे लिख रखा है, पर मैं आपको सच्ची बता दूँ, 4 मिनट 45 सेकंड वाले बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं, कई बार 5 मिनट हो जाते हैं, पर 4 मिनट 45 सेकंड ही आप लगाइए। और ये देखिए 5 मिनट 30 सेकंड, और यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिए, बाकी यही है। एडमिट कार्ड कब आएंगे आपको, फिजिकल स्टैंडर्ड, नॉर्मल चीज़ें दोस्तों, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, पर आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ दानपुर के लिए है बिहार में, नहीं दोस्तों, आप वेस्ट बंगाल से हो तो भी भर सकते हो, से आप जम्मू एंड कश्मीर में हो तो भी, पंजाब से हो तो भी, और बिहार से हो तो भी, और झारखंड से हो तो भी। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।